मैं हकीकत बनूं तुम ख्वाब बन जाना, सवाल करता हूँ जवाब बन जाना, मैं हकीकत बनूं तुम ख्वाब बनूं तुम। I should look at you or read you? You're always busy with work. Salary इसीलिए मिलती है ना? वो तो है, लेकिन आप तो कंसल्टेंट हो, मर्जी के मालिक हो। इन लड़कियों ने आपका वेलकम ठीक से नहीं किया, शायद आपसे जेलस होंगी। वो क्यों? आप इतनी ब्यूटीफुल जो हो। लिसन, इफ यू आर ट्राइंग टू फ्लर्ट विद मी ना, आई हैव ऑलरेडी सीन सम। नो नो, आई वाज नॉट ट्राइंग टू फ्लर्ट, आई वाज मेकिंग अ कन्वर्सेशन। चलो मैं अब निकलता हूँ। ओके, मैं ठीक है। अभी काम पे फोकस करते हैं। शिट! I'm sure बुध-बुध कुछ नहीं होता यार। तुम लोग फेंटा हो? के देखेंगे ना, बहुत गुस्सा करेंगे। बाप रे, तुम लोग तो ऐसे देख रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। आपकी बेटी का एडमिशन हो गया? कोशिश चल रही है मैडम जी, जल्दी हो जाएगा। कोई मदद चाहिए तो प्लीज बताइएगा। बिल्कुल। कम इन। कम इन सर। हाँ जी। ये प्रेजेंटेशन देख लेते तो? देख लेंगे। जल्दी क्या है? कौन सा परफ्यूम लगाती हो तुम? तुम आती हो, देखो मेरा कैबिन कैसे महक उठा। सर, मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं आपकी इन बातों से बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। इसमें अपसेट होने वाली क्या बात है? मैं तारीफ ही कर रहा हूं ना। जाओ यहां से बेवकूफ। What happened? It's disgusting, Neha. बहुत inappropriate comments पास करता है। तो तुम उसे बोल क्यों नहीं देती कि तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता? Neha, तुम्हें लगता मैंने बोला नहीं होगा? He just does not listen. कभी कभी तो दिल करता है काश मेरे मम्मी पापा होते, कम से कम मैं अपनी दिल की बात तो बता पाती। और मेरा बच्चा मैं हूं ना तुम्हारी मम्मी पापा, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। नेहा, बचपन से ही ऐसा है, जब भी लोगों को पता चलता है ना कि ऑर्फनेज में पली बड़ी हुई हूँ, तभी से लोग मेरा फायदा उठाना शुरू करते हैं, गंदी नजरों से देखते हैं। जिनका कोई होता नहीं है ना दुनिया में, उसको कोई पूछता नहीं है। यू आर अ स्ट्रांग वुमन, तुमने सारी एडवर्सिटीज को क्रॉस करके अपने बलबूते पे सब कुछ हासिल किया है। तुम खुद अपने पैरों पर इस जॉब पर पहुंची हो, इस लेवल तक आई हो। लिसन टू मी, इतनी छोटी छोटी बातों से तुम मायूस नहीं हो सकती। यू आर माई टाइग्रेस। नेहा, तुमने डेटा भेज दिया है? या जस्ट आई एम वर्किंग ऑन इट, आई जस्ट सेंड इट यू। आइए। मिस कंगना। यू हैव डन समथिंग टू योर हेयर, नाइस। नो सर। आप
वैसे इतनी खूबसूरत है, आपको कुछ करने की क्या जरूरत है? सर आपने बुलाया था। आपको मैंने 2 दिन पहले वो डेटा निकालने को बोला था, कहाँ है वो? वही कर रही थी सर। जाइए, जल्दी लेके आइए। बेटी का एडमिशन के लिए तुम्हें इतने महंगे स्कूल में क्यों एडमिशन कराना है? बेटी का सरकारी स्कूल में जाओ, जाओ यहां से। आइए सर, ये मैंने सारी कैलकुलेशंस कर ली हैं। अगर हम अपना वेंडर चेंज करके ना साई स्टूडियो से काम कराएं तो हमारे बॉटम लाइन में काफी इंप्रूवमेंट हो सकती है। क्या बात है मिस कंगना, व्हाट आई सजेस्ट, लेट्स गो फॉर डिनर, उसके बाद आराम से डिस्कस करते हैं। डिनर सर? हाँ डिनर। बहुत बिजी तो नहीं है आप? हमें इस ऑफिस के माहौल से बाहर निकल के भी तो कुछ इंटरेक्ट करना चाहिए, बातें करनी चाहिए, मिलना चाहिए। सर मैं ऑफिस का वर्क ऑफिस में ही करने में बिलीव करती हूँ सर। दैट्स क्यूट। और पर्सनल वर्क? तुम तो जानती ही हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्रमोशन के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सर ये क्या बदतमीजी है, मैं इतनी जोर से शोर मचाऊंगी ना कि सब लोग अंदर आ जाएंगे। मिस कंगना ये प्रेजेंटेशन तो लेके जाइए, देखिए मेरा ऑफिस कितना डर्टी हो गया है। हेलो मेहरा जी। हाँ जी, आपने वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मंगवाई थी ना? वो मैंने स्टडी कर ली है। हाँ मुझे लगता है हमारी ऑफिस की ही कोई लड़की ना ये सारा फ्रॉड कर रही है। दीज एम्प्लॉइज। खैर उसको तो हम पकड़ ही लेंगे। या आई थिंक आई हैव फाउंड हर ऑलरेडी, आई विल गेट बैक टू यू विद द नेम very soon. Thank you sir. Thanks for the compliment sir. Sir please sir. Please sir. Sir please, मैं बहुत मेहनत और लगन से यहाँ पहुंची हूँ sir, please. Sir मुझे बिल्कुल तंग मत कीजिए sir, please sir. Please sir. Sir बहुत बड़े लोग हो sir. सर मुझे मेरा काम पीसफुली करने दीजिए प्लीज सर। सर प्लीज सर। सर प्लीज। सर प्लीज। यार मुझे लगता है मुझे रिजाइन ही करना पड़ेगा बिफोर ही हार्म्स माय करियर। पागल हो गई हूँ क्या? नौकरियाँ पेड़ पर नहीं होती हैं, और इस एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें नया जॉब इस लेवल का मिल पाना और भी मुश्किल होगा। नया तो तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ, ही इज रिलेंटलेस इन हिज हैरेसमेंट। मैं जब भी उससे मिलके आती हूँ ना मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है ना, इतना गुस्सा आता है ना, मैं तुझे बता नहीं सकती। मेरे पिछले ऑर्गेनाइजेशन में एक लड़की थी जिसके साथ हैरेसमेंट हुआ था, एंड शी फाइल्ड अ कंप्लेंट अंडर विशाखा गाइडलाइंस, तो मे बी यू कैन ट्राई दैट। विशाखा गाइडलाइंस ट्राई कर सकती हूँ अगर वो इम्पार्शियल है तो। देख ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हुआ था कि एक प्रॉपर मीटिंग बिठाई गई इंटरनल, देन उसके बाद में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी हुआ, और जो बंदा जिसने हैरेसमेंट किया था उसका गिल्ट प्रूव होने के बाद उसे जॉब से निकाल दिया गया। यार इफ इट वर्क्स नथिंग लाइक इट नेहा, थैंक्स। रिमेम्बर व्हाट
ईमेल कंप्लेंट भेजने से पहले क्या है ये? विक्रम स्टूडियो को काम नहीं देना, ये तुमने कैसे तय किया? सर मैंने आपको बताया था कि साइज स्टूडियोज कॉस्ट इफेक्टिव है, बॉटम लाइन में फायदा होगा हमारा। अब तुम ये तय करोगी कि किसको ऑर्डर देना है किसको नहीं देना? तुम मुझे सिखाओगी कि ऑफिस कैसे चलेगा? विक्रम स्टूडियोज वाला दोस्त है मेरा, कब से डीलिंग है मेरी उससे। तुम अपनी टांग अड़ाना बंद करो, अभी के अभी साई का ऑर्डर कैंसिल करो, विक्रम का ऑर्डर तैयार करो, रात भर बैठो तुम यहां पे। तू ना हेड ऑफिस में कंप्लेन लिखाई दे, सलग करप्ट आदमी, एक नंबर का बेमान, ज्यादा सोच मत, अब तू कंप्लेन करा ही दे, आज ही करवा देना। तुमने वो लेटर भेज दिया? नहीं, समीर बहुत पावरफुल है, मुझे बहुत डर लगता है। देर करने का कोई फायदा।